नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का। मैं डॉक्टर संजीवनी शीतल टोंग से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देवी माता के तृतीय स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा का ध्यान करेंगे तथा गर्भ संवाद करेंगे और आपको आपके माध्यम से अपने गर्भस्थ शिशु को भी माता चंद्रघंटा के इस स्वरूप का दर्शन कराना है। आप यदि गर्भावस्था में नहीं है और फिर भी यह ध्यान आप कर रही है तो आपको माता के स्वरूप का ध्यान करते समय खुद के लिए यह संवाद करना है। माता चंद्रघंटा परम शांतिदायिनी और कल्याणकारी है। माता अत्यंत संयम एवं शांति से परिपूर्ण है। इनकी साधना से वीरता निर्भयता के साथ साथ शालीनता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। हम माता की उपासना करते हैं। माता चंद्रघंटा हमें और हमारे गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद और अपनी कृपा प्रदान करे। तो चलिए शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा का गर्भ ध्यान और गर्भ संवाद। सबसे पहले आपको शांत चित्त होकर मन से एकाग्र होकर प्रसन्नता से एकांत में बैठना है। सुखासन में आसन पर बैठे। यदि आपको जमीन पर पालथी मांडकर बैठना कठिन हो तो आप चेयर लेके भी बैठ सकती है। सुखासन में बैठे। यदि आप गर्भावस्था में नहीं हैं तो आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है और गर्भवती माताओं को दोनों हाथ पेट के ऊपर रखने हैं। यह गर्भ संवाद और गर्भ ध्यान आपके द्वारा आपको गर्भस्थ शिशु तक भी पहुंचाना है। आंखें बंद करनी है। दोनों हाथ पेट पर रखकर हाथों से शिशु को बड़े प्यार से ममता से सहलाना है। लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। आपका संपूर्ण ध्यान मेरी वाणी पर है और अपने गर्भस्थ शिशु पर आपका मन केंद्रित आप कर रही है। प्रसन्न लग रहा है, आनंदित लग रहा है। आओ गर्भस्थ शिशु को माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ध्यान कराते हैं। बंद आँखों से माता की प्रतिमा आँखों के सामने लानी है। आँखें बंद। है मेरे शिशु, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप दिव्य है। माँ के मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज पुंज विराजित है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए देवी को चंद्रघंटा भी कहा जाता है। है मेरे बालक, चंद्रघंटा का दूसरा अर्थ यह भी है, चंद्र यानि चंद्रमा जो हमारे मन का प्रतीक है और घंटा यानि नाद। मंदिर में जो घंटा होती है उसे कैसे भी बजाओ तो हमेशा उससे एक ही तरह की ध्वनि आती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारा मन कई बार विपरीत परिस्थितियों में अस्त व्यस्त हो जाता है, तब हमें एकाग्र होकर हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में हमें चाहे खुशी हो या गम, दोनों ही परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ रहना है। यही माता चंद्रघंटा का आशीष है। देखो मेरे बालक, माता की कांति सुनहरी सोने के समान चमक रही है। माता शेर पर सवार है। माँ चंद्रघंटा 10 भुजाधारी है। देखो मेरे बालक, माँ ने अपने हाथों में तलवार, खड्ग, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष धरे हुए है। माता मंद मंद मुस्का रही है। है मेरे शिशु, माता तुम्हें वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का आशीर्वाद दे रही है। है मेरे बालक, मैं तुम्हें माता चंद्रघंटा की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ।
कहा जाता है प्राचीन समय में देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं के स्वामी इंद्र को परास्त किया और देवताओं पर विजय प्राप्त की। उसने इंद्र के सिंहासन को हासिल किया और स्वर्ग पर राज करने लगा। देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे। महिषासुर के इस अत्याचारों से परेशान होकर देवता इस समस्या को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवतागणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उसमें मिल गई। तभी उससे एक देवी का अवतरण हुआ जो चंद्रघंटा थी। माँ चंद्रघंटा को भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी माता को अस्त्र शस्त्र से सजाया। इंद्र ने वज्र और घंटा दिया। सूर्य ने तेज और तलवार दी और सवारी के लिए शेर दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने असुरों का विनाश करके महिषासुर का वध किया और देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। हे मेरे बालक, माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप मनुष्य के अंदर भी आसुरी शक्तियों का विनाश करती है और सद्गुणों का विकास करती है। माँ का ध्यान तुम्हें जीवन में सफल बनने के लिए प्रेरणादायी होगा। मेरे शिशु, जब भी तुम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करोगे तो माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना। तब तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से माँ भर देगी, तुम्हें निर्भय और शक्तिशाली होने की प्रेरणा देगी। तो चलो मेरे बालक, मेरे साथ साथ तुम भी माँ चंद्रघंटा को वंदन करो और मेरे साथ माता के बीज मंत्र का उच्चारण करो। ऐं श्रीं शक्तियै नमः। 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 ऐं श्रीं शक्तियै नमः।
ऐं श्रीं शक्तियै नमः 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 ऐं श्रीं शक्तियै नमः
ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः ऐं श्रीं शक्तियै नमः या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहना है, प्रसन्न लग रहा है, शांत लग रहा है। अब धीरे धीरे पूर्वावस्था में आना है। आज का ध्यान आपके लिए कैसा रहा, आपका अनुभव जरूर विस्तार रूप में कमेंट में लिखना है। कल फिर मिलेंगे नवरात्रि के चौथे दिन ध्यान तथा गर्भ संवाद के लिए। जय माता दी।